Yes. Any doubt in this? हाँ सब कहिए, क्या डिसाइड कैसे किया? माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन करके पूछिए। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये हमने डिसाइड कैसे किया? सी, एक सिंपल सी बात है, मैंने बहुत पहले आपसे बात कही थी कि ये आपके अपने लॉजिक्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से लॉजिक्स को यूज करते हो अपने। सी, क्वेश्चन में उन्होंने क्लियर दिया है कि वर्ड है डॉटर, डॉटर वर्ड में 8 लेटर्स हैं। फिर उन्होंने कहा है कि आपको वर्ड्स बनाने हैं, मीनिंगफुल या नॉन मीनिंगफुल जो भी है वो वर्ड्स बनाने हैं, जिसमें आपको 2 वॉवल्स और 3 कॉन्सोनेंट्स का यूज करना है। ठीक है, प्रॉब्लम स्टार्ट होने से पहले, ये लिखने से पहले मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था कि वर्ड जो बनाने हैं मीनिंगफुल हो या नॉन मीनिंगफुल हो। ठीक है, द वर्ड्स विच वी हैव टू फॉर्म विच आर मीनिंगफुल और नॉन मीनिंगफुल। ओके, इनमें इनमें आपको जो ये वर्ड्स बनाने, इन वर्ड्स में कितने अल्फाबेट चाहेंगे? आप लोग का आंसर आया था 5 अल्फाबेट। ओके, अब 5 अल्फाबेट आपका आंसर क्यों आया? बिकॉज इसमें क्लियरली दिया हुआ है कि 2 वॉवल्स और 3 कॉन्सोनेंट्स का यूज करना है आपको। ओके, वी हैव टू यूज 2 वॉवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट। ठीक है, अब पहला पार्ट इसमें सिलेक्शन हो जाता है क्योंकि हमारे पास टोटल 3 वॉवल्स है। वी आर हैविंग 3 वॉवल्स बट वी नीड ओनली 2 वॉवल्स, तो वो 2 वॉवल्स हम कौन से लेंगे? सो दैट्स व्हाई द पार्ट कम विद द सिलेक्शन। आउट ऑफ दीज 3 वॉवल्स वी हैव टू सिलेक्ट 2 वॉवल्स। देन देर आर 5 कॉन्सोनेंट और हमें कॉन्सोनेंट सिर्फ 3 यूज करने हैं, तो हम वो 3 कॉन्सोनेंट कौन से यूज करेंगे? दैट इज द पार्ट। ओके, तो इस केस में आपका आ जाएगा 3P3। ओके, नोट तो आप बाद में भी कर सकते हो उसका, सॉरी 5C3 आ जाएगा। ओके, जिसमें से आप 3 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करोगे। अब आपके पास 2 वॉवल्स और 3 कॉन्सोनेंट आ गए। ठीक है, यू हैव सिलेक्टेड 2 वॉवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट इन ऑल 5 अल्फाबेट। अब आपको इसे अरेंज करना है क्योंकि मीनिंगफुल और नॉन मीनिंगफुल वर्ड, जब वर्ड फॉर्मेशन की बात रहती है तो एन ओ नो हो जाता है, ओ एन ऑन हो जाता है। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस। जैसे हम एन और ओ इनकी आपस में पोजीशन चेंज करेंगे, ठीक है, तो एन ओ नो हो जाएगा और ओ एन ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंस हो जाता है, मतलब यहां पे बात अरेंजमेंट की चली जाएगी अभी। तो अरेंजमेंट में 5P5 आएगा विच इज 120। ओके, यस, एनी अदर डाउट? या फिर जो अभी एक्सप्लेन किया उसमें फिर से कोई डाउट? इसे बेस्ट वे में समझना है तो ये समझिए कि क्लास में शैल वी कंस्ट्रक्ट क्लास, और शैल वी कंस्ट्रक्ट, ओके, क्लास कंस्ट्रक्ट करते हैं। आप ये अज्यूम कीजिए कि क्लास में टोटल 8 स्टूडेंट्स है, जिसमें 3 गर्ल्स और 5 बॉयज है, या रिवर्स कर दीजिए, 5 गर्ल्स और 3 बॉयज है। ठीक है, एज यू वॉन्ट। ठीक है, मैं 3 गर्ल्स 5 बॉयज कंसिडर करके चल रहा हूँ। ठीक है, फॉर अ सर्टन थिंग वी नीड 2 गर्ल्स एंड 3 बॉयज। ओके, कोई एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के वर्क के लिए 3 गर्ल्स और 2 बॉयज का यूज किया जाएगा। ठीक है, मतलब टीम बनेगी 2 गर्ल्स और 3 बॉयज की। तो फिर 3 गर्ल्स में से 2 गर्ल्स सिलेक्ट करना, यू गेट 3C2 विच इज 3। आउट ऑफ 5 बॉयज यू हैव टू सिलेक्ट 3 बॉयज, सो यू गेट 5C3 10। इस टीम ने मिलकर काम किया प्रोजेक्ट पे, प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा। ठीक है, अब बात आ गई कि एक फोटो सेशन होना है, तो 5 मेंबर्स को जब खड़ा किया जाएगा, ठीक है, फोटो सेशन के लिए, सो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज ऑफ अरेंजमेंट विल बी देयर फॉर द फोटो सेशन? ठीक है, ये 5 मेंबर्स जो खड़े होते हैं, ठीक है, इन ये किस तरह से खड़े होते हैं, या 5 सीट्स रख दिए गए हैं, उनको बिठाया गया है, तो किस तरह से सीटिंग अरेंजमेंट किया जाएगा? तो अब ये सीटिंग की बात जब आएगी, ये अरेंजमेंट का पार्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 5P5 एंड दैट विल बी 120। सो फाइनली इट विल बी 3 × 10 × 120 विच इज 3600। ओके, इसी क्वेश्चन को अलग वे में फ्रेम इस तरह से किया जा सकता है। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं फिर एक बार पूछना चाहूंगा, 23 से 33 में कौन कौन प्रेजेंट है? मुझे मयूर और ओम ने पहले हाँ कहा है, मैंने उनको प्रेजेंट मार्क किया, बाकी सबको मैं एब्सेंट मार्क कर दूंगा, याद रखिएगा। कभी ना कभी आप लोगों को मॉनिटर बनना ही है, मयूर और ओम मॉनिटर बन चुके हैं।
ओके प्रियंका, यू विल बी मॉनिटर। ओके 23 से 33 तक आप मॉनिटर होगे आज। ओके मॉनिटर देखिए एक बार आपको बनना ही है, एक बार क्या, जब तक ऑनलाइन क्लासेस चल रहे तब तक मॉनिटर कोई ना कोई बनता ही रहेगा, और मैं किसी एक को मॉनिटर नहीं बनाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू चेंज द पोजिशन। ओके एक सिंपल सी बात है, नेक्स्ट ईयर आप लोग 12th में रहोगे मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, और 12th में आपको आगे चल के फेयरवेल पार्टी भी मिलेगी जब आप स्कूल को छोड़ के जाओगे, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब ओके मोस्ट प्रोबेबली नहीं, श्योरली, बस श्योरली आप लोग नेक्स्ट ईयर 12th में रहोगे, ठीक है, और आपको फेयरवेल पार्टी भी मिलेगी आप स्कूल को छोड़ के जाओगे तो, ठीक है। उस दिन बहुत बार मन में ऐसा आएगा आपके कि आज हम जा रहे हैं, फिर स्कूल से हमारा नाता ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट टूटेगा। आप एलुमनी मेंबर काउंट होंगे बट यू विल बी नॉट द पार्ट ऑफ द स्कूल। ओके यू विल बी नॉट द पार्ट ऑफ द स्कूल। खुशी भी होती है कि अब लाइफ में कुछ आगे और करने को मिलेगा, बट यकीन मानिए दुख भी बहुत होता है, क्योंकि खेलने कूदने के यही दिन होते हैं जो स्कूल में थे। जितना एंजॉयमेंट आपने अपने स्कूल में किया है ना, उतना एंजॉयमेंट शायद आप अपनी लाइफ में आगे नहीं करोगे, बिकॉज जैसे ही आप आगे प्रोसीड करोगे, ठीक है, एंजॉयमेंट रहेगा लेकिन उस एंजॉयमेंट के मायने बदल जाएंगे। ओके उस एंजॉयमेंट के जो मायने हैं वो बदल जाएंगे, और सही मायने का जो एंजॉयमेंट रहता है ना वो रहता है बचपन का, वो रहता है बचपन का। ये देखो यहाँ पे आ गया रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यस बचपन में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज उतनी रहती है, जैसे ही आप यहाँ से निकलोगे फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगे। अगर एक सिंपल सी बात की जाए, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक काउंट कर लीजिए, ईयर बाय ईयर आपके ऊपर कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। तो जैसे लाइफ और आगे जाएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, एंजॉयमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी होता, मायने बदल जाते हैं। ओके मायने बदल जाते हैं। बहरहाल उस दिन क्या होगा मैं आपको बता सकता हूँ। मैं 6 सेंड ऑफ देख चुका हूँ अब तक केवी से, जब से मैंने ज्वाइन किया ये मेरा 7th ईयर है अभी, 6 सेंड ऑफ मैं देख चुका हूँ, ठीक है, और 6 में से 4 सेंड ऑफ में बच्चों के द्वारा जब स्पीच दी जाती है तब एक दो बार ये सुनने को मिला है कि बच्चे ये कहते हैं कि आज मन कर रहा है बहुत कुछ बोले, आज मन कर रहा है कि बहुत कुछ करें। जब स्कूल में थे तब मौके मिलते थे लेकिन हम लोग करते नहीं थे, लेकिन आज मन कर रहा है बहुत कुछ करें, बच्चे ये कहते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा मौका दे रहा हूँ मॉनिटर बनने का, आप इस मौके को गवाइए मत, ठीक है, और कुछ मत करो, मॉनिटर बन जाओ। जब जब मेरा क्लास होगा मैं मॉनिटर चेंज करूंगा, मॉनिटर बन जाओ, ठीक है, बी द मॉनिटर एटलीस्ट वंस, एक बार तो बनो, ठीक है। और करना क्या है, सिर्फ अटेंडेंस चेक करनी है और सिर्फ मुझे ग्रुप पे भेज देना है। उसमें भी यदि किसी से गलती हो जाती है तो मैंने बहुत पहले लिखा था कि कोई इस गलती के लिए सॉरी नहीं कहेगा, आप मॉनिटर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है, छोटी मोटी गलतियां होती है, नेटवर्क इशू की वजह से कभी कोई लेफ्ट आउट हो गया और थोड़े बाद ज्वाइन किया, अब जब वो लेफ्ट हुआ और जब उसने ज्वाइन किया इस बीच में आपने देख लिया कौन कौन प्रेजेंट है, उसका आपने एब्सेंट मार्क कर दिया, वहां आपने लिख भी दिया, तो अभी ग्रुप में सामने वाला स्टूडेंट लिखेगा ना कि यस सर आई वॉज प्रेजेंट, ठीक है, और इसीलिए मैं ग्रुप में मंगवाता हूँ, ठीक है, बिकॉज मॉनिटर्स क्या है, इंसान है, ठीक है, नेटवर्क इशू वैसे कभी वो भी लेफ्ट आउट हो जाते हैं, कभी कभी तो मैं भी लेफ्ट आउट हो जाता हूँ, ठीक है। तो एक छोटा सा चांस मिल रहा है मॉनिटर बनने का, मॉनिटर बनिए, ठीक है, बी द मॉनिटर। ओके मैं 7th स्टैंड का क्लास टीचर हूँ, वहाँ जैसे मैं मॉनिटर की बात करता हूँ ना, बच्चे ऐसे दौड़ते आते, सर मैं, सर मैं, सर मैं, सर मैं, वो ये बोलते कि सर हमें मॉनिटर बनाओ, ठीक है। पता नहीं ऐसा क्यों हो जाता है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं इन चीज़ों से दूर भागते हैं। जैसे अगर मैं एक बार ये लिख दूँ ना कि हाँ भाई ये 234 × 83 ये कैलकुलेशन चाहिए, यकीन मानिए 4th स्टैंड के बच्चे को ये कैलकुलेशन दो, इतना क्यूरोसिटी रहेगी उसके मन में, इतनी एंथुसियासिस रहेगी इसको सॉल्व करने की, पूछो मत। 5th वाले में भी रहेगी, 6th में रहेगी, 7th में थोड़ा कम होगी, 8th में थोड़ा कम होगी, 9th में थोड़ा कम होगी, 10th में तो वेट करते अरे कोई आंसर लिख ले तो हम भी लिख ले। तो ऐसा क्यों होता है, Why this happens? ठीक है, ये देखो सीमा ने आंसर दे दिया, बट एक्चुअल ऐसा होता है, जस्ट अ मिनट, दिस हैपन्स कि 5th स्टैंडर्ड का बच्चा है ना
या फोर्थ रैंक का बच्चा बहुत फटाफट इसे सॉल्व करने की सोचता है। नाइन्थ और टेंथ तक बच्चे बोलते हैं कोई आंसर लिख ले, तो हम लोग भी आंसर लिख ले, ठीक है, दे थिंक लाइक दिस। तो प्लीज वो जो एनर्जी है उसे कम मत होने दीजिए, प्लीज। ओके, सेकंड इक्वेशन, सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग। ओ वेट अ मिनट, इसमें कोई डाउट एक बार फिर, यस एनी डाउट इन दिस, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भेज जाऊं। ओके, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन एट अ टाइम सो दैट द वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट अकर टूगेदर। वॉवल्स और कॉन्सोनेंट साथ में चाहिए, मतलब सारे वॉवल साथ में चाहिए, सारे कॉन्सोनेंट साथ में चाहिए, ठीक है। सो नाउ गिवन टू यू इज द वर्ड इक्वेशन। इन द वर्ड इक्वेशन इन द वर्ड इक्वेशन, बहुत बढ़िया वर्ड है, इसमें आप देखो ई यू ए आई ओ सारे वॉवल्स आते हैं, ओके, इन दिस वर्ड ऑल द वॉवल्स आकर। इन द वर्ड इक्वेशन देर आर एट लेटर्स, कंसिस्टिंग ऑफ फाइव वॉवल्स, सारे पांचों के पांचों वॉवल्स इसमें आते हैं, एंड थ्री कॉन्सोनेंट, कंसिस्टिंग ऑफ फाइव वॉवल्स एंड थ्री कॉन्सोनेंट। ओके, अब आपको क्या करना है, ये सारे वर्ड्स को अरेंज करना है, इन सारे वर्ड्स को अरेंज करना है, मीन्स इन वर्ड्स को अरेंज करना है, आठों के आठों को, मीनिंगफुल नॉन मीनिंगफुल जो भी वर्ड्स बनते हैं वो देखने हैं, ठीक है। बट कंडीशन ये है कि जो भी ये वर्ड्स हैं, इन सारे वर्ड्स में वॉवल्स साथ में चाहिए, कॉन्सोनेंट्स साथ में चाहिए, ऑल द वॉवल्स शुड बी टुगेदर, ऑल द कॉन्सोनेंट्स शुड बी टुगेदर, ओके, ये होना चाहिए। नाउ सी, लेट कैपिटल वी रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ ऑल फाइव वॉवल्स, ठीक है, दैट इज वी, इसमें आपके पास ई है, ए है, आई है, ओ है, यू है, ठीक है, सारे वॉवल्स है, कैप्स, ठीक है, एंड सी रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ थ्री कॉन्सोनेंट्स, दैट इज सी में क्यू टी एन ये आएंगे, ठीक है। तो हमने दो ग्रुप बना दिए, हमने क्या कर दिया, दो ग्रुप्स बना दिए, ठीक है। अब हमारे पास टोटल दो ग्रुप्स है, देयर आर टू ग्रुप, बी एंड सी, to be arranged among themselves, number of arrangements इनके क्या आएंगे, number of arrangements हो जाएंगे 2p2 which is 2 factorial which is nothing but 2, 2p2 2 factorial which is nothing but 2। देखिए दो तरह के arrangements ही possible है, एक arrangement ये होगा, एक arrangement ये होगा, so only two arrangements are possible, okay, B C या C B, okay। अब besides this और क्या हो सकता है, besides this जो पांच vowels है उनका आपस में arrangement, also arrangement of five vowels among themselves, ये
ये आएगा 5p5 विच इज 5 फैक्टोरियल विच इज 120। ओके इतना ही नहीं, कॉन्सोनेंट्स का आपस में अरेंजमेंट, अगेन अरेंजमेंट ऑफ थ्री कॉन्सोनेंट्स अमंग देमसेल्व्स, तो ये आएगा 3p3 विच इज 3 फैक्टोरियल विच इज नथिंग बट 6। ओके टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट, टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स तो जाएंगे 2p2, ये जो दो ग्रुप्स है एक वॉवल का एक कॉन्सोनेंट्स का अरेंजमेंट, पांच वॉवल्स का अरेंजमेंट अमंग देमसेल्स एंड थ्री कॉन्सोनेंट्स का अरेंजमेंट अमंग देमसेल्स, दिस इज 2 × 120 × 6। यस देखिए आंसर कितना आ रहा है, वन फोर फोर जीरो। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया, सारे वॉवल्स मतलब इक्वेशन वर्ड में पांचों वॉवल्स आ रहे हैं तो हमने पांचों वॉवल्स का एक ग्रुप बना दिया। ठीक है, हमने पांचों वॉवल्स का एक ग्रुप बना दिया। ओके और तीन कॉन्सोनेंट्स आ रहे हैं, तीन कॉन्सोनेंट्स का एक दूसरा ग्रुप बना दिया। वॉवल्स का जो ग्रुप था उसे हमने नाम वी दिया और कॉन्सोनेंट्स का जो ग्रुप है उसे हमने नाम सी दे दिया। तो हमारे पास दो ग्रुप आ गए वी एंड सी। अब हमें इन दो ग्रुप्स को आपस में अरेंज करना है, तो दो तरह के अरेंजमेंट आएंगे, वी सी मतलब पांचों वॉवल्स एक साथ तीनों कॉन्सोनेंट्स एक साथ, या फिर ये जिसमें तीनों कॉन्सोनेंट्स एक साथ पांचों वॉवल्स एक साथ। ठीक है, लेकिन ये जो पांच वॉवल्स है वी में ई ए आई ओ यू, ये जो पांच वॉवल्स है इनका आपस में भी अरेंजमेंट होगा। ओके ये जरूरी नहीं कि अरेंजमेंट यही रखना है। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे ओ हो, यहाँ पे यू हो और यहाँ पे ई हो। ठीक है, तो ये भी एक अरेंजमेंट है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द अरेंजमेंट इनसाइड द ग्रुप। तो पांच वॉवल्स का आपस में जो अरेंजमेंट होगा वो रहेगा 5p5 विच इज 5 फैक्टोरियल। सिमिलरली जो तीन कॉन्सोनेंट्स है इनका आपस में अरेंजमेंट, ओके जरूरी नहीं कि अरेंजमेंट में ग्रुप जो बनाया गया वो क्यू टी एन इसी तरह से रहे। हो सकता है यहाँ पे एन आ जाए, यहाँ पे क्यू आ जाए और यहाँ पे टी आ जाए। ओके ये इस तरह के अरेंजमेंट एक पॉसिबल है। तो इन तीन कॉन्सोनेंट्स का आपस में अरेंजमेंट आएगा विच विल बी नथिंग बट 3p3 विच इज 3 फैक्टोरियल। सो फाइनली द टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट विल बी दिस 2p2 अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप, 5p5 अरेंजमेंट ऑफ वॉवल्स एंड 3p3 अरेंजमेंट ऑफ कॉन्सोनेंट्स, इन ऑल मल्टीप्लीकेशन 2 × 120 × 6 विच इज 1440। ओके यस एनी डाउट? क्वेश्चन को पूछने का एक दूसरा तरीका भी लिया जा सकता है। ठीक है, वो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मान लीजिए क्लास है जिसमें पांच गर्ल्स है और तीन बॉयज है। ओके इन अ क्लास देयर आर 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज। ओके और इन सारे बच्चों को फोटो सेशन के लिए बाहर बुलाया गया है कि आपका फोटो लिया जाएगा, आपके क्लास का फोटो लिया जाएगा। ठीक है, सामने चेयर्स रख दिए हैं। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए आगे चेयर्स में जो हायर अथॉरिटीज है वो बैठे, उनको आप छोड़ दीजिए फिलहाल, आप सिर्फ स्टूडेंट्स को कंसिडर कीजिए। ठीक है, 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज। अब सारे गर्ल्स एक साथ खड़े हैं, ठीक है, और सारे बॉयज एक साथ खड़े हैं। ऑल द 5 गर्ल्स आर स्टैंडिंग टुगेदर और सिटिंग टुगेदर, ऑल द 3 बॉयज और 3 बॉयज आर सिटिंग और स्टैंडिंग टुगेदर। ठीक है, तो ये हो गया इनका ग्रुप, दो ग्रुप हो गए, एक बी एक जी। अब इधर पांचों गर्ल्स है और इधर तीनों बॉयज है, एक अरेंजमेंट ये है, रिवर्स कर दीजिए, इधर तीनों बॉयज है इधर पांचों गर्ल्स है, ये दूसरा अरेंजमेंट है। ठीक है, अब गर्ल्स का आपस में अरेंजमेंट। ठीक है, गर्ल्स जो है इनका आपस में अरेंजमेंट। ओके कोई दो फ्रेंड कहेगा हम तो दोनों फ्रेंड है, हम दोनों साथ में ही रहेंगे। ठीक है, कोई कहेगा नहीं नहीं मुझे इसके साथ नहीं इसके साथ रहना है। ठीक है, सो दैट इज अरेंजमेंट ऑफ 5 गर्ल्स अमंग देमसेल्व्स, सिमिलरली द अरेंजमेंट ऑफ 3 बॉयज अमंग देमसेल्व्स, इन ऑल फाइनल आंसर विल बी 1440। ओके इसी क्वेश्चन को जो मैंने अभी आपको बताया बॉयज एंड गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस तरह से फोटो सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अरेंज किया जा सकता है। ठीक है, या फिर ये मान लीजिए कि कोई बड़ी इंटरनेशनल मीटिंग चल रही है, उसमें 3 इंडियंस और 5 अमेरिकन आए हैं। ठीक है, इनका फोटो सेशन है तो
तो उसमें भी किया जा सकता है। तो देखिए क्वेश्चन किस किस तरह से फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है। यस, एनी डाउट? वराइटीज ऑफ क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड विद द सेम कॉन्सेप्ट। ओनली वन स्टूडेंट रिस्पॉन्डिंग, नो डाउट। यदि डाउट है तो पूछिए, या एटलीस्ट दो चार तो रिस्पॉन्ड कीजिए। मुझे तो लगे हाँ भाई ठीक है, समझ में आया। ओके, थर्ड, अ कमिटी ऑफ सेवन हैज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 boys and 4 girls। अब देखिए कमिटी फॉर्म करनी है 7 लोगों की, ठीक है, और टोटल 9 boys and 4 girls है। अ कमिटी ऑफ सेवन हैज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 boys and 4 girls। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन व्हेन द कमिटी कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 girls, एटलीस्ट 3 girls, एटमोस्ट 3 girls। सबसे पहले ये बताइए, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, मीन्स अरेंजमेंट है कि सिलेक्शन है। ओके, यस, कमिटी फॉर्म करनी है 7 पीपल की, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन बोथ। ओके, देखिए एक सिंपल सी बात समझ लीजिए, आप ध्यान से क्वेश्चन को रीड कीजिए और ये देखिए कि कमिटी जो फॉर्म की जा रही है उसमें क्या ऑर्डर भी पूछा जा रहा है। यदि ऑर्डर पूछा जा रहा है तो परम्यूटेशन, यदि ऑर्डर नहीं पूछा जा रहा है तो कॉम्बिनेशन, या फिर ऐसा है कि कहीं पे ऑर्डर है भी और नहीं भी है तो वहां पे हम दोनों भी कंसिडर कर सकते हैं। प्लीज रिप्लाई, आयुष ने अपना व्यू चेंज कर दिया परम्यूटेशन में। ओके, एक बार फिर देखिए क्वेश्चन, अ कमिटी ऑफ सेवन हैज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 boys and 4 girls। 9 boys और 4 girls है और 7 people की कमिटी फॉर्म करनी है। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन व्हेन द कमिटी कंसिस्ट ऑफ, पहला है एग्जैक्टली 3 girls, दूसरा है एटलीस्ट 3 girls, तीसरा है एटमोस्ट 3 girls। अब मेरा क्वेश्चन है, इसमें कहां पे आपको अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुझे लगता है इसमें कहीं भी ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं है। नो नीड ऑफ ऑर्डर एट ऑल, हमें सिर्फ कमिटी बनानी है, दैट्स ऑल। वी हैव टू जस्ट फॉर्म अ कमिटी। ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक्सरसाइज 7.4 में क्रिकेट वाला क्वेश्चन नहीं था कि 17 प्लेयर्स है, 17 में से 11 प्लेयर्स की टीम बनानी है, 5 बॉलर्स हमारे पास है और हमें एग्जैक्टली 4 बॉलर्स चाहिए। ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा है। सो देर इज एक्चुअली नो नीड ऑफ अरेंजमेंट एट ऑल। ओके, देर इज नो नीड ऑफ अरेंजमेंट एट ऑल। ये सीधे सीधे कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए थर्ड, देर आर 9 boys and 4 girls। There are 9 boys and 4 girls. Okay, a committee of 7 is to be formed. A committee of 7 is to be formed. Okay, 7 people की committee form करनी है, ठीक है। अब पहला केस ये कह रहा है कि उसमें exactly 3 girls होने चाहिए। अब मैं direct answers दूंगा, ठीक है। पहला ये कह रहा है कि उसमें एग्जैक्टली 3 girls चाहिए। ओके, नाउ सी, नंबर ऑफ सच कमिटी, नंबर ऑफ सच कमिटी, नाउ सी, हमें कमिटी में टोटल 7 people चाहिए। अ कमिटी ऑफ 7 इज टू बी फॉर्म्ड। पहला केस कह रहा है कि एग्जैक्टली 3 girls होनी चाहिए। एग्जैक्टली 3 girls का मतलब है 3 girls and 4 boys, क्योंकि कमिटी में 7 people का होना जरूरी है। एग्जैक्टली 3 girls चाहिए तो बाकी जो 4 हैं वो बाकी 4 boys रहेंगे। ओके, क्लियर? तो आपको आंसर में क्या मिलेगा, 4 girls हैं
उनमें से तीन सिलेक्ट करने, क्योंकि हमें एग्जैक्टली थ्री गर्ल्स चाहिए। ओके, एंड है मतलब मल्टीप्लाई, बॉयज हमें सिलेक्ट करने पड़ेंगे चार, क्योंकि सात होने चाहिए और नौ बॉयज है हमारे पास। तो सी, ये बन गई कमेटी चार लोगों की। नीचे जो है ना, ये बन गई कमेटी सात लोगों की। नीचे देखिए, नीचे का एडिशन थ्री और फोर सेवन हो रहा है। तीन गर्ल्स सिलेक्ट हो रहे हैं, चार बॉयज, गर्ल्स चार है, चार में से तीन गर्ल्स सिलेक्ट हुए, बॉयज नाइन है, नाइन में से फोर बॉयज सिलेक्ट हुए। ओके, यस, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, इसमें यदि कोई डाउट है तो पूछिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने जैसा क्वेश्चन है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो हॉलीडे होमवर्क मैंने भेजा है उसमें ये क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है। ठीक है, मैंने हॉलीडे होमवर्क में एक तो एक्टिविटी पे कॉन्सेंट्रेट किया हुआ है और दूसरा इन पे कॉन्सेंट्रेट किया हुआ है, मिसलेनियस वाले क्वेश्चन पे। दिस गिव्स यू फोर इंटू, दिस इज नाइन इंटू एट इंटू सेवन इंटू सिक्स अपॉन फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। फोर एंड फोर कैंसल, थ्री टू जा सिक्स कैंसल। ओके, क्लियर। अब ये हो गया नाइन एट जा सेवेंटी टू, सेवेंटी टू इंटू सेवन, सेवन टू जा फोर्टीन, सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन प्लस वन फिफ्टी, आंसर है फाइव जीरो फोर। ओके, क्लियर। सेकेंड की बात करते हैं, सेकेंड में है एटलीस्ट थ्री गर्ल्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटलीस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटलीस्ट, एटलीस्ट थ्री गर्ल्स मीन्स व्हाट। तीन गर्ल्स या उससे ज्यादा भी चल सकता है। ठीक है, एटलीस्ट थ्री गर्ल्स मतलब कमिटी में कम से कम तीन गर्ल्स तो चाहिए ही चाहिए, तीन से ज्यादा रहे तो भी चलेगा। नाउ सी, प्लीज सी, एटलीस्ट थ्री गर्ल्स मीन्स थ्री गर्ल्स एंड फोर बॉयज, और फोर गर्ल्स एंड थ्री बॉयज। इसके आगे भी हम जा सकते हैं, फाइव गर्ल्स एंड टू बॉयज, बट यहां पे नंबर ऑफ गर्ल्स दिए ही चार है, तो पांच गर्ल्स का कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं। ओके, सो एटलीस्ट थ्री गर्ल्स मीन्स, एटलीस्ट थ्री गर्ल्स मीन्स कम से कम तीन गर्ल्स होनी चाहिए, तीन से ज्यादा रहे तो भी चलेगा। तो यदि तीन गर्ल्स है तो बाकी चार बॉयज होंगे, तीन से ज्यादा गर्ल्स में चार गर्ल्स हैं तो तीन बॉयज हो जाएंगे, पांच गर्ल्स पॉसिबल नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स सिर्फ फोर है। ठीक है, अब नंबर ऑफ अरेंजमेंट इसका हम फाइंड करेंगे। ये देखिए, नंबर ऑफ कमिटीज ये आएगा, ये जो है ये तो आपका सेम ये वाला है, फोर सी थ्री इंटू नाइन सी फोर, फिर आएगा प्लस, ये जो और है ये प्लस देगा, जो और है यहां से प्लस आ जाएगा, यू गेट फोर सी फोर नाइन सी थ्री। यस, एनी डाउट इन दिस? ये आपका फोर सी थ्री मल्टीप्लाइड बाय नाइन सी फोर आएगा, प्लस ये फोर सी फोर मल्टीप्लाइड बाय नाइन सी थ्री आएगा। यस, एनी डाउट इन दिस? यहां एंड है तो एंड में मल्टीप्लिकेशन होगा, और जहां पे लिखा है वहां पे प्लस हो जाएगा। तो पॉसिबिलिटीज क्या है कि तीन गर्ल्स और फोर बॉयज सिलेक्ट किए गए हैं। ओके, या फिर नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है कि फोर गर्ल्स और तीन बॉयज सिलेक्ट, फोर गर्ल्स और तीन बॉयज सिलेक्ट किए गए। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व कीजिए और आंसर फाइंड कीजिए। पहले का तो आपको आंसर पता है, 504 आएगा, हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, प्लस 4C4 आपका 1 है और 9C3 आपका हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, यू गेट दिस। ओके, अब 9 इंटू 8 इंटू 7 आपने मल्टीप्लाई किया था, 504 था, या फिर ये लीजिए 3 और ये 4, दिस इज 504 प्लस 84, 3, 4, 12, 7, 84. This gives you 588. Okay, this gives you 588. Yes, any doubt in this?
अब इसके बाद यह है एटमोस्ट थ्री गर्ल्स। एटमोस्ट थ्री गर्ल्स का मतलब क्या है? एटमोस्ट थ्री गर्ल्स मीन्स वॉट? मैक्सिमम तीन गर्ल्स। ओके, मैक्सिमम तीन गर्ल्स मतलब तीन गर्ल्स वाला ग्रुप है, सात मेंबर्स में से तीन गर्ल्स है तो भी चलेगा, उससे कम है मतलब सात में दो गर्ल्स है वो भी चलेगा, एक गर्ल है वो भी चलेगा, नहीं है वो भी चलेगा। ओके, तो पॉसिबिलिटीज आपकी ये रहेगी 9C3 × 9C4 + 4C2 × 9C5 + 4C1 × 9C6 + 4C0 × 9C7। ये रहेगा इसका आंसर। ओके, देखिए पहला केस 4C3 × 9C4, तीन गर्ल्स चार बॉयज, ठीक है, मैक्सिमम तीन गर्ल्स हो सकते हैं उससे ज्यादा नहीं, तो तीन गर्ल्स चार बॉयज। नेक्स्ट केस में नंबर ऑफ गर्ल्स हम कम कर रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम तीन गर्ल्स, पॉसिबिलिटी में हो सकता है कि दो गर्ल्स हो, तो 4C2 टू गर्ल्स, 9C5 फाइव बॉयज, 2 + 5 7, कमिटी 7 की हो रही है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी में ओनली वन गर्ल, 4C1 × 9C6, 1 and 6 7, और नेक्स्ट में एक भी गर्ल नहीं है, ऑल सेवन आर द बॉयज। ओके,